सो हेलो गाइस, एपिसोड 83 में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स मॉड्यूल्स देखेंगे। मॉड्यूल्स के देखने के बाद मैथ मॉड्यूल्स, रैंडम मॉड्यूल्स, डेड टाइम मॉड्यूल्स, पकल इल मैथन आदि इत्यादि देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स स्टार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स देखने से पहले यहाँ पे हम खोल लेंगे अपना पाईचार्म। अब आप कहोगे ये कौन सी दुनिया में हम आ गए हैं। ये दुनिया कोई नहीं है, दरअसल जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तभी मैंने बता दिया था कि एक दुनिया और इंस्टॉल करनी है, यानी कि आपको पाईचार्म। मैंने क्या किया जब कोर्स स्टार्ट करवाया था, तो मैंने क्या क्या इंस्टॉल करवाया थे आप ध्यान देना। मैंने एनाकोंडा इंस्टॉल करवाया था, पाईचार्म इंस्टॉल करवाया था, और क्या इंस्टॉल करवाया था, पाइथन इंस्टॉल करवाया था। तीन सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कराए थे, जिसमें एनाकोंडा और पाइथन का उपयोग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और अब जो उपयोग हम करने वाले हैं वो पाईचार्म का करने वाले हैं। पाईचार्म को दरअसल इंस्टॉल करने का कुछ तरीके तौर तरीके होते हैं, वो सेटिंग स्पेशल होती हैं, उनको मैं किसी एक वीडियो में बता दूंगा। आप नीचे बस कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे मिल जाएगा। तो उसमें कुछ सेटिंग होती है, यदि आप उनको नहीं करोगे पाईचार्म में, तो आपका ये जो कोड है वो रन ही नहीं होगा, और आपको बार 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 गलती बताएगा। दरअसल आपकी गलती नहीं होगी, वो कोड की ही गलती होगी। मतलब वो जो पाईचार्म है उसमें सेटिंग करनी पड़ती है, स्पेशल सेटिंग होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये पाईचार्म है उसमें सेटिंग कैसे की जाती है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, कमेंट बस आप कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए ये पाईचार्म इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम नई फाइल, नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू। न्यू क्लिक करने के बाद यदि ये जो काम मैं अभी करने जा रहा हूँ ये आप यदि उसमें करते एनाकोंडा में, तो आपका नहीं होता। तो पाइथन फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल को एक नाम दे देना है। तो चलिए यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं कि ऐसे ही मतलब ट्यूटोरियल, ठीक है। तो एक हमने इसका फाइल का नाम दे दिया। देने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने नई फाइल यहाँ पे बना दी। अब यहाँ पे हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कोडिंग को। और यहाँ पे हम मैट्रिक्स सबसे पहले देख रहे थे, तो मैट्रिक्स को देखने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स आपने क्लास 12th में आई होप आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स को देखेंगे, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1, 2, ठीक है, और 1, 2, और एक और हम अभी आपको सब समझ आ जाएगा, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4 मैंने मैट्रिक्स बना ली। दरअसल मैट्रिक्स होती क्या, मैं आपको पेंट में करके जा करके थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। तो मैट्रिक्स दरअसल ऐसी होती है, मैं आपको एक्सेल, तो एक्सेल मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैट्रिक्स का दरअसल मतलब या मतबल क्या होता है। तो देखिए ये जो होती हैं, ये जो लाइन ऐसी वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन होती हैं उनको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो यही होता है मैट्रिक्स, ठीक ना। तो ये रो इंटू कॉलम के रूप में लिखी जाती हैं, रो इंटू कॉलम, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे, और इसको यदि और अच्छे से समझाना चाहूँ तो ये अपने क्लास 12th में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो चलिए मैं अब आपको पेंट में जा करके और अच्छे से आपको बता देता हूँ। तो मैट्रिक्स का जो सही स्वरूप होता है, जो आप किताबों में लिखा हुआ देखते होगे, वो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बनती है। एक ऐसे लिस्ट का बना देते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं, और फिर जैसे यही 1, 2, 3, 4 मैंने लिखा, लेकिन बुक में आपको ऐसे लिख के देखने को मिलेगा। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। ये वाला हम कॉलम कहते हैं, और ये वाली जो ऐसी लाइनें होती हैं पड़ी हुई लाइनें, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें, इनको हम रो कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक मैट्रिक्स डिजाइन होती है। तो मैंने आपको ऑल ओवर पूरी दे दी जानकारी। अच्छा, ये मैट्रिक्स का मैं यदि प्रारूप पूछूं आपसे, तो आपसे तो ये एम इंटू रो इंटू कॉलम के रूप में गिना जाता है। तो ये 2x2 की हमारी मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है? 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। 3x3 की भी मैट्रिक्स होती है, इसमें तीन तीन जो है एलिमेंट होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। चलिए यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स में 1, 2, 3, 4 नाम से, और यहाँ पे देखिए कामा जरूर लगा दीजिएगा वरना आपका एरर आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट देखिए मैट्रिक्स में, मान लीजिए इसमें जो कोई एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो प्रिंट आपको कैसे कराना है, बस देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे आपको देखिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 3 जो एलिमेंट है ये प्रिंट कराना है। अब आपको बताना है जो 3 एलिमेंट है वो रो में, किस रो में है, तो ये पहली रो में है। आप कहोगे पहली कहाँ, दूसरे रो में है, दूसरी रो में है, ठीक है ना। तो आप दूसरी रो में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि दूसरी रो में है, ठीक है। और ये कॉलम की बात की जाए तो ये जो है 0 कॉलम में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए रन पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए रन की बटन है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना, चूंकि इसका नाम मैंने ट्यूटोरियल रखा है तो ट्यूटोरियल को ही रन करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है 3 इसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप
थ्री को प्रिंट करवा सकते हो। तो देखिए नीचे वाला मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसने थ्री को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, 3x3 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो उसमें एलिमेंट्स का थोड़ा हम चेंज कर देंगे। ठीक है, और 4, 5, 6, ठीक है, और इसमें देखिए कांवा लगा देते हैं, और इसमें हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं 7, 8, 9। लेने के बाद अब यहाँ पे मैट्रिक्स जो है, और अब इसमें से बताइए कौन सा एलिमेंट प्रिंट करें। मान लीजिए 5 मुझे प्रिंट करना है, तो बताइए किस रो में है। तो देखिए पाइथन है चूंकि, तो 0 से स्टार्ट गिना चाहेगा। ये हो गई हमारी 0 रो, ये हो गई हमारी दूसरी रो, तो दूसरी रो में है। ठीक ना, कौन सी रो में है? दूसरी रो में है। अच्छा अच्छा, जो कॉलम कौन सा है? तो कॉलम ये हमारा है पहला रो, पहला कॉलम है। ठीक ना, 0 से गिना जाता है, ये चीज याद रखिएगा, इसलिए जो है पहले कॉलम में आ रही है। अब इसको रन करवा देते हैं, ट्यूटोरियल वाले जो फाइल है हमारी, इसको रन करवा देते हैं। तो ऊपर जो है रन लिखा है, उसके बाद रन की बटन पे, और ये ट्यूटोरियल को रन करवा देते हैं। तो ये देखिए इसने जो है 8 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, 8 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम देखेंगे, अब इसको हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं, और अब हम देखते हैं मॉड्यूल क्या होते हैं। तो कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। अब हम देखेंगे कि मॉड्यूल यहाँ पे क्या होते हैं। तो मॉड्यूल को यहाँ पे देखने के लिए, मॉड्यूल दरअसल दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है और एक होता है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। ठीक है ना, तो बिल्ट इन मॉड्यूल जो होते हैं वो पहले से ही डिफाइंड होते हैं, यानी कि प्री डिफाइंड होते हैं। उनको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को। और मतलब यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्या, मतलब ऐसे आपको बताएंगे कि यूजर जो है कैसे अपने मॉड्यूल को एक फाइल से दूसरे फाइल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट आदि इत्यादि करवा सकता है। सिंपली यह मॉड्यूल इज अ फाइल कंसिस्टिंग ऑफ पाइथन कोड। अ मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शन, क्लासेस एंड वेरिएबल। जो मॉड्यूल है उसके अंतर्गत हम फंक्शन, क्लासेस एंड वेरिएबल्स को स्टोर करवा सकते हैं। अ मॉड्यूल कैन ऑल्सो इंक्लूड रनेबल कोड। चलिए इसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो मॉड्यूल हम यहाँ पे देखेंगे, मॉड्यूल को दरअसल ये आप ऐसे समझिए कि हम यहाँ पे फाइल कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे चलिए एक नई फाइल यहाँ पे बना लेते हैं। तो पाइथन फाइल ये हमने एक बनाई, इसका हम नाम रखेंगे चेक। क्या नाम रखा? चेक। ठीक है, ये हमने चेक नाम से एक फाइल बनाई। अब इसमें हम कुछ लिखेंगे और फिर उसको दूसरी फाइल में किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है ये मॉड्यूल से सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चेक नाम से फाइल बनाई। ध्यान से समझते रहिए तभी समझ आएगा। अब इसमें हम फंक्शन कुछ डिफाइन कर लेते हैं। ये डिफाइन कैसे किया जाता है, बवाल ववाल ये हम पहले बता चुके हैं। तो सम नाम से एक हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल इसके अंतर्गत पास करेंगे, a, b, c। तो a, b, c हमने पास कर दिया। पास करने के बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद रिटर्न करेंगे, क्योंकि रिटर्न का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को स्टोर कर लियो, जब पूछा तब बताइयो। तो a+b+c, तो ये हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अभी इसको, अभी इसने ये काम करेगा। देखिए हमने, ध्यान से समझिए, हमने चेक से एक फाइल बनाई, check.py। अच्छा, इसको इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो पाइथन में फाइल है वो py से सेव की जाती है, .py से, सॉलिडिटी में .sol से, जावास्क्रिप्ट में .js से, इस तरह से फाइल को सेव किया जाता है, html में .html से। तो ये देखो, अभी जो है हमने सिर्फ इसको डिफाइन किया, ये फंक्शन हमने सही बनाया है नहीं बनाया है इसको भी तो देखिए, फंक्शन जो है कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा है मैं पिछले वीडियो बता चुका हूँ episode 7 में, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, सम इसका हमने नाम दिया, उसे उसके अंतर्गत हमने 3 वेरिएबल पास किए, फिर हमने रिटर्न कर दिया a+b+c। यानी कि जब जब मैं इसको सम लिखूंगा और a, b, c की जगह पर हम 3 वेरिएबल या 3 वैल्यू देंगे, तो ये a+b+c में रिटर्न कर देगा। सिंपल सा अगर इसे कहा जाए तो समझ सकते हो। अब इसको हम चेक को रन करवा देते हैं, रन। तो रन पे क्लिक किया और हमारी चेक नाम से फाइल थी, चेक को रन करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने कुछ नहीं प्रिंट हुआ, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हमने रिटर्न करवाया है, तो रिटर्न में कहाँ प्रिंट होता है? रिटर्न में तो मतलब ये होता है कि स्टोर करके रख लो, चुपचाप बैठ जाओ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फाइल और बनाएंगे। तो न्यू पर देखिए हमने क्लिक किया, एक फाइल हम और बनाएंगे जिसका नाम देंगे मेन। ये देखिए नाम हम जो दे रहे हैं उसको ध्यान से समझते रहिए। अब हमने देखिए चेक में जो है अपने हमने फंक्शन बनाया था, क्या ऐसा हो सकता है कि मेन में जो है ये फंक्शन आ जाए? मतलब जो शर्तें हमने चेक वाले फंक्शन में रखी थी उसके आधार पर मेन फंक्शन में हम इसको, मतलब मेन जो फाइल है उसमें चेक के जो फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया था, यानी कि चेक फाइल में जो हमने फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था उसके आधार पर जो रिजल्ट है हमें मेन में मिल जाए, यानी कि चेक की फाइल को मेन में इंपोर्ट करवा सकें।
इसी को हम मॉड्यूल के समय तरह से समझेंगे। देखिए इसको कैसे किया जाता है, इसके तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो पहला तरीका ये रहा इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए नाम आपको देना है जो फाइल आपकी थी, तो चेक नाम था हमारे फाइल का, ठीक ना, चेक नाम था इंपोर्ट चेक, जो चेक नाम से मॉड्यूल हमने बनाया उसमें हमने फंक्शन डिफाइन किया और जो चेक के चेक में जो हमने डिफाइन किया उसको हम इंपोर्ट करेंगे मेन में, तो हमने इंपोर्ट चेक लिखा, ठीक है, चेक जो है हमारी फाइल का नाम है जिसमें हमने फंक्शन को डिफाइन किया था। प्रिंट पे क्लिक कर देना है, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद सॉरी प्रिंट लिखने के बाद चेक डॉट, और देखिए इसको हम कॉल कैसे करेंगे, मान लीजिए अभी यहाँ पे एक और फंक्शन अगर नीचे मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग जोड़ घटाना गुणा भाग इसका और बना होता तो फिर इसमें हो सकता है और भी तो फंक्शन नीचे हो सकते थे, हमने तो एक लिया है मतलब, तो इसमें जो है ये सम है, ठीक है, इसके नीचे और भी हो सकते थे, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा कि हमें सम वाला फंक्शन चाहिए, अगर बाई चांस अगर नीचे और होते तब भी हम यही करते, तो सम हम इसको कॉल करेंगे। यानी कि देखिए चेक से हमने इसको क्या बताया कि फाइल में चले जाओ, कौन सी फाइल उठाओ, चेक वाली फाइल उठाओ, फिर उसमें जो पन्ने हैं बहुत सारे, ऐसे समझ लो कि पन्ने हैं बहुत सारे, कौन सा पन्ना खोलो, तो सम वाला पन्ना खोलो, हमने क्या किया डॉट सम बताया। अब हमने चूंकि तीन वेरिएबल लिए थे तो तीन वैल्यू भी हमें यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी, 12, 24, 36, तीन हमने यहाँ पे जो वैल्यू है पास कर दी, ठीक है। और अब इसको यहाँ पे रन करवा के देख लेते हैं, तो रन पे क्लिक किया और मेन वाला जो है उसको रन करवाएंगे, मेन कहाँ गए ये, तो मेन को हम रन करवाएंगे, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है यहाँ पे सक्सेसफुल्ली प्रिंट हो चुका है 62, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो रिजल्ट है 72 प्रिंट हो चुका है। यानी कि हमें यहाँ पे दुनिया की बकैती लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने चेक में फंक्शन डिफाइन किया, काम अपना करवा लिया हमने मेन से। तो इस तरह से आप मॉड्यूल को मतलब एक फाइल में लिख करके डिफाइन करके फंक्शन को दूसरी फाइल में इंपोर्ट करा सकते हो, वो बकैती लिखने की जरूरत नहीं है जो आप पहली वाली फाइल में लिख के आए हो। ये होता है मॉड्यूल की तरीके से आपको ये देना। तो ये जो काम हमने अभी किया ये आपका एनाकोंडा में नहीं हो पाता, ठीक है ना, ये पाइचाम की खास स्पेशल सेटिंग होती है, वो आपको करनी ही पड़ेगी, वो नेक्स्ट वीडियो आप बस कमेंट कीजिए मिल जाएगा मैंने कैसे किया, वरना आप ढूंढते रह जाओगे, कोड सही करोगे लेकिन गलती आएगी, ठीक है। तो ये चेक और मेन नाम से, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका, तीन तरीके मैंने कहा तो तीनों बताऊंगा, दूसरा तरीका यहाँ पे होता है लिखो फ्रॉम चेक इंपोर्ट सम, ठीक है, फ्रॉम चेक इंपोर्ट सम प्रिंट और तीन वैल्यू, प्रिंट नहीं अभी सम और तीन वैल्यू यहाँ पे पास कर दो, 12, 24, 36, मतलब कुछ भी कर सकते हो, मैं इसे दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे रन कर देते हैं रन, और हमारा मेन को हम रन करवा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगेन जो है रिजल्ट हमें वही मिल चुका है 72, ठीक है। तो इस तरह से आप सेकंड तरीके से कर सकते हो। अच्छा थर्ड तरीका क्या होता है, थर्ड तरीके से भी दे सकते हो। थर्ड जो हमारा तरीका होता है उसमें हम एलियास का यूज करते हैं, ठीक है ना, एलियास के तरीके से भी आप कर सकते हो। तो कैसे होगा उसको भी समझ लो, इम्पोर्ट, ये थर्ड तरीका आपको बताने जा रहे हैं, इम्पोर्ट चेक एज सी। देखिए बस इसमें क्या है कि मतलब जो हमने नाम उसमें पूरा बताया था, इसमें आप एज सी या पी या टी या नी जो आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है, बस आप छोटा कर दो इसको, बस ये है। और इसका मतलब कुल मिला के कहीं ना इतना है, आप कंपैरिजन करके देख लेना, कॉपी में नोट करते जाना वरना पढ़ ले नहीं कुछ पड़ेगा। तो प्रिंट देखो इम्पोर्ट चेक एज सी, देखिए हमने सी किया है, आप किसकी जगह कुछ भी कर सकते हो, लो हमने एस कर दिया, ठीक है। तो प्रिंट इम्पोर्ट चेक जो हमारा फाइल था उसको मैंने इम्पोर्ट किया एज एस, और प्रिंट क्या करना है, देखो जो हमने ऊपर नाम दिया एस डॉट सम, हमने खास कर हम एक पन्ने को बुला रहे हैं, यानी कि एक पेज को हम खोलना चाह रहे हैं, तो सम उस पेज का नाम है, ठीक ना, मतलब सम उस फंक्शन का नाम है, वरना हमने जो एक फंक्शन दिया, पता चला बहुत सारे फंक्शन होते तब क्या करते, तो नाम हमें दे करके वही चीज को ओपन करना पड़ता है, तो बताना पड़ता है, ऐसे काम नहीं करता। 12, 24, 36, तो हमने तीन जो है इसमें वैल्यू पास की, रन करवा देते हैं, तो रन पे क्लिक किया रन और मेन
मेन में रन करवा दिया, तो यहाँ पे दे सकते हो जो है 72 हमारा प्रिंट हो चुका है सक्सेसफुली। तो तीन तरीकों से मैंने आपको मॉड्यूल के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मैथ मॉड्यूल और भी जो तरीके हैं वो उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे मैथ मॉड्यूल को। मैथ मॉड्यूल क्या होता है? मैथ मॉड्यूल दरअसल आपने मैथ पढ़ी होगी तो मैथई का ये दरअसल एक तरीके से मॉड्यूल होता है। रैंडम मॉड्यूल पढ़ेंगे फिर उसके बाद डेट टाइम मॉड्यूल देखेंगे। सबसे पहले मैथ मॉड्यूल, चलिए देखते हैं मैथ्स। तो ओपन कर लिए हमने पाइचाम को, ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हम हटाते हैं मेन और चेक, ये फालतू के थे, इनको हमने यहाँ पे हटा दिया। नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे ट्यूटोरियल ओनली, ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हमने एक नई फाइल बना ली ट्यूटोरियल नाम से। अच्छा ये ऑलरेडी है, तो चलिए इसी ट्यूटोरियल को ओपन, चलिए इसको हटा देते हैं और मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। तो ट्यूटोरियल नाम से हमने एक फाइल बना ली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैथ मॉड्यूल को देखेंगे। तो मैथ में जो है मतलब बहुत सारे आपको मॉड्यूल मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब देखिए एग्जांपल लीजिए सीधे, मैथ डॉट सील और मैथ डॉट सील, ये देखिए जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल का नाम है मैथ डॉट सील। इससे अच्छा होता क्या है ये देख लीजिए। तो उसमें क्या होता है, जैसे इंपोर्ट इंपोर्ट मैथ, मैथ हमारा मॉड्यूल हो गया इंपोर्ट, ठीक है। और यहां पे हम देख लेते हैं प्रिंट 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 मैथ डॉट सील सील, और यहां पे अच्छा यहां पे आपको एक्स में कुछ वैल्यू दे देनी है। जैसे एक्स में मान लीजिए मैं यहाँ पे 13.4 दे देता हूँ और यहाँ पे जो प्रिंट करवाऊंगा मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगा। ये जो हमारा सील फंक्शन है वो काम, सील जो मॉड्यूल है वो हमारा कुछ इस तरह से काम करता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये है इसको अच्छा हटा दो, ये जो ऊपर वाला है इसको हटाओ। तो इम्पोर्ट हमने मैथ मॉड्यूल इम्पोर्ट किया, हमने मैथ मॉड्यूल, ठीक है, एक्स में वैल्यू दी 13.4 और ये जो दशमलव है यानी कि जो डेसिमल है उसको ये हटा देगा। चलिए रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ट्यूटोरियल नाम से है तो ट्यूटोरियल देखिए, इसने जो है 14th कर दिया, जिसका मतलब क्या हुआ कि इसने जो है दशमलव को इसने नहीं इंक्लूड किया और 14 प्रिंट कर दिया, यानी कि दशमलव को ये नहीं लेता है और उसकी आगे वाली संख्या प्रिंट कर देता है। ये दरअसल हमारा सील फंक्शन काम करता है, सील, ठीक है ना। इसका ठीक अपोजिट होता है फ्लोर। तो फ्लोर का देख लेते हैं, इसमें देखिए हम थोड़ी चेंज कर देते हैं और सील की जगह फ्लोर कर देते हैं। तो अब इसको रन करवा के देख लेते हैं, ये जो है ये 13 कर देगा। तो रन ट्यूटोरियल, और इसने देखिए क्या किया, बिल्कुल सेम उसका उल्टा कर दिया। तो ये देख सकते हो आप 13 इसने प्रिंट कर दिया, है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे पैप्स फंक्शन। तो इम्पोर्ट मैथ x इज इक्वल टू 11.2 13.4 और फैप्स को देखेंगे, फैप्स क्या करता है, फैप्स रन रन ट्यूटोरियल। तो फैप्स का दरअसल काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप अगर -13.4 दिया तो ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, यानी कि कोई वैल्यू आप इसको नेगेटिव दोगे तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा। ये है यदि देखा जाए इसका काम। तो इसने देखिए मैंने -13.4 दिया और इसने जो है मैंने -13.4 वैल्यू दी, इसने 13.4 पॉजिटिव कर दिया यानी कि धनात्मक कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अभी मैं आपको बताता हूँ मैथ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक्स इज इक्वल टू 5 दिया और यहाँ पे फैक्टोरियल कर देते हैं, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल मैंने किया और इसको जरा रन कर देते हैं, रन रन। तो हमारी जो वैल्यू आई 120 आई, और कहोगे ये कैसे 120 आ गई, मतलब क्या मतलब हो गया अंदर ही अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ फैक्टोरियल दरअसल होता क्या है। यदि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि उसके नीचे वाले सब गुणा करते चले जाओ, यानी कि डिक्रीमेंट चलता है। तो समझो 5 × 4 × 3 × 2, 5 फोर जा
इनटू, एक और करो इनटू वन, तो यानी कि उल्टे हुए यहाँ पे प्रिंट, मतलब उल्टे मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो चलता है। 5 हो जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120। तो इस तरह से इसने 120 आंसर निकाल दिया। फैक्टोरियल का दरअसल मतलब ये होता है। तो मैथ मॉड्यूल इस तरह से कुछ काम करता है। तो ये हमने मैथ मॉड्यूल पढ़ लिया और आपका बच्चा है। अब एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं जिसका नाम है सम, एफ सम। तो एफ सम का दरअसल काम क्या होता है कि ये कोई लिस्ट को जोड़ सकता है। जैसे एक लिस्ट कोई बना लेते हैं 10 10 10 10, तो यहाँ पे कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 101 और 200 हमने रख दिया, एक लिस्ट बनाई और यहाँ पे एफ सम चला देते हैं। एफ सम, एफ सम, सम का मतलब जोड़ना होता है और एफ वहाँ ऐसे बस ऐसे लगा दिया गया है, ठीक है ना। और इसको हम हटा देते हैं वरना आ जाएगा एरर, रन रन ट्यूटोरियल। हमारा फंक्शन जो फाइल बनी है ट्यूटोरियल से बनी है, तो उसी को रन करवा देते हैं। लियो आ गया हमारा 301। अच्छा 101 और 200 को जोड़ो कितना होता है, 301, वही आ चुका है हमारा आंसर। तो एफ सम का काम होता है मोस्टली ये काम करना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसक्यूआरटी फंक्शन। एसक्यूआरटी मैथ में एसक्यूआरटी का काम क्या होता है मॉड्यूल में। तो जो हमारा हम इंपोर्ट मैथ लिखे बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि मैथ एक मॉड्यूल है जिसके ये कई सारे चीजें हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये दरअसल जो मैं आपको थोड़े बताऊंगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बाकी आप वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सारे बताने बैठ जाऊंगा तो फिर वीडियो ये हो जाएगी बहुत लंबी। ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं मैथ मॉड्यूल के, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको कुछ मेन मेन ले रहा हूँ। तो इम्पोर्ट मैथ क्लिक किया 16 SQR। अच्छा 16 बताओ किसका जो है मल्टीप्लिकेशन उसी में करने पर 16 प्राप्त होता है। तो यदि बात की जाए तो इसमें एस क्यू आर टी और X। अब इसको रन करवा देते हैं, देखते हैं जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। तो 4 का ये वर्ग है, तो 4 जा कितना होता है, 4 जा 16। तो ये जो है 16 जो है वो स्क्वायर रूट है, यानी कि अंडर रूट है 4 का। तो ये हो गए मैथ के कुछ फंक्शन, ठीक है ना। मैथ के ये हो गए कुछ फंक्शन। अब अच्छा बाकी फंक्शन कहाँ गए फिर। तो बाकी फंक्शन जो है ये जो मैथ मॉड्यूल के जो मेन मेन थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब बात कर लेते हैं रेंड। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के बीच में कि जितने भी बचे हुए जो है उनके सारे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनसे जाकर के आप और भी फंक्शन उससे अपने खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। मैथ मॉड्यूल के हो गए, रैंडम मॉड्यूल के हो गए, डेट टाइम मॉड्यूल के हो गए, तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे क्या कर सकते हो आप और ज्यादा मॉड्यूल को देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और ज्यादा मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, डेट टाइम मॉड्यूल को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए अब रैंडम मॉड्यूल की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इमेज में था मैथ मॉड्यूल हमारा खत्म हो चुका, अब हम बात करेंगे रैंडम मॉड्यूल की। तो रैंडम मॉड्यूल में हम कुछ मेन मेन ही देखेंगे। तो इंपोर्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जो है अब हम रैंडम मॉड्यूल का उपयोग करेंगे। तो इंपोर्ट मैंने रैंडम किया और एक्स इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम। तो रैंडम का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसे मतलब अचानक, यार फिर ऐसे मान लो मतलब कुछ भी, मतलब वैल्यू कुछ भी ऐसे, मतलब उसके बीच की कुछ भी अचानक मिलेगी वैल्यू, तो इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो। अभी आपको एग्जांपल दे लूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। प्रिंट एक्स। तो रैंडम का मतलब ये होता है कि मतलब ऐसे तुक्का मार के कुछ भी निकाल दो। तो देखो हमने रैंडम डॉट रैंडम किया और रैंडम के अंतर्गत 2,8 लिखा है, यानी कि 2 और 8 के बीच में कोई मैं रैंडम नंबर बताओ, तो ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर बताएगा, और ये हर बार अलग अलग बताएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रैंडम एक मॉड्यूल होता है पाइथन में। चलिए इसको भी निपट लेते हैं। तो ट्यूटोरियल हमने प्रिंट किया और तो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो चुकी है, ये चीज याद रखिएगा, रैंडम डॉट रैंडम नहीं होगा, रैंडम डॉट रैंडिंट होगा, ठीक ना, रैंडिंट। तो ये चीज याद रखना, रैंडम डॉट रैंडम नहीं था, रैंडिंट होगा। तो अब इसको रन करवा देते हैं, रन ट्यूटोरियल, और यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर है
वो दो आ चुका है। अच्छा नेक्स्ट टाइम फिर हम देखिए रन करवा देते हैं, तो हर बार जो है वैल्यू अलग अलग देगा, इस बार इसने 8 दी। तो ये रैंडम तरीके से काम करता है, जिस तरह से इसका नाम ही रैंडम है तो फिर कामों भी उसी तरीके के होंगे। तो ये रैंडिंट, रैंडम का रैंडिंट मॉड्यूल जो था, ठीक ना, मॉड्यूल है रैंडम, और उसके जो तरीके हैं वो उसमें बहुत सारे हैं, तो मैं आपको कुछ ही बताऊंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मेन मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रैंडम का रैंडिंट हमने देख लिया, और देख लेते हैं कि एक है जिसमें रैंडम वैल्यू निकाली जाती है, उसको हम कहते हैं रैंड रेंज। अच्छा ये फर्क क्या होता है कि रैंड रिंट क्या रैंड डिंट और रैंड रेंज का फर्क बस इतना होता है कि जो रैंड डिंट था, यानी कि अभी जो हमने प्रयोग किया था, उसमें क्या होता है कभी वो जो है, जैसे दूसरी बार में इसने रैंड डिंट ने 8 निकाल दी थी रैंडम वैल्यू, लेकिन रैंड रेंज में क्या होता है, इसमें कभी भी ये 8 को नहीं निकालेगा, क्योंकि रेंज का काम क्या होता है, रेंज का काम होता है चूंकि रेंज लग गया है, तो रेंज का मैंने आपको पहले भी बताया कि रेंज जब जब लग जाएगा तो स्टार्टिंग तो वहीं से होगी जहां से स्टार्टिंग करवाओगे आप, लेकिन एंड वहां पे नहीं होगा जहां पे आप वैल्यू लिखोगे, यानी कि 8 कभी भी रैंडम वैल्यू नहीं निकालेगा। सिंपल सा मतलब ये है। तो रन करवा देते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू निकालता है। तो यहाँ पे वैल्यू उसने 7 प्रिंट की है, 2,8 यानी कि 2 और 8 के बीच में 7 वैल्यू उसने प्रिंट कर दी है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, रैंडम डॉट सफल की। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक्स नाम से बना लेते हैं लिस्ट, 10, 20, 30 और 40। तो ये हमने लिस्ट बना ली, इसको बंद किया और रैंडम डॉट सफल तो ये सफल हो गया। सफल होने के बाद यहाँ पे सफल की स्पेलिंग देख लेना और एक्स यहाँ पे लिखा। अच्छा सफल का काम क्या होता है कि सीक्वेंस में आप इसको जो भी दोगे डाटा, जैसे मैंने लिस्ट एक बनाई एक्स नाम के वेरिएबल के अंतर्गत, एक हमने लिस्ट बनाई और फिर हमने क्या किया कि उस लिस्ट में रैंडम डॉट सफल चलाया, मॉड्यूल है वो रैंडम है, रैंडम डॉट सफल फंक्शन चलाऊंगा, उसके बाद प्रिंट करूंगा इस लिस्ट को, तो ये सीक्वेंस को बदल देगा, आड़े बेड़े तिरछे सब कर देगा, देख लो। तो रैंडम रन किया, ट्यूटोरियल चलाया और यहाँ पे देख लो, पहली बार तो इसने देखिए हाँ कर दिया, सीक्वेंस में इसने चेंज कर दिया। तो ये रैंडम रैंडम कुछ भी सीक्वेंस में चेंज कर देगा। अच्छा इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसे आप गेम नहीं देखते होगे कि जब कभी भी ओपन करते होगे कि तुक्का वाला, इसमें आपको इनाम लग गया, लॉटरी लग गई, तो उसमें जो है इन फंक्शन का उपयोग किया जाता है लॉटरी निकालने में, कि लो तुक्का तुम्हारा लग गया, तो ये सारा काम यहीं से ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक और चीज, तो उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, जिसका नाम है रैंडम डॉट रैंडम। अब अच्छा इसका क्या काम होता है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे रैंडम डॉट रैंडम। अच्छा ये भी देखो फंक्शन होता है रैंडम डॉट रैंडम, तो यहाँ पे इसको हम चूंकि एक्स के अंतर्गत, एक्स वेरिएबल के अंतर्गत स्टोर करवाएंगे तभी तो एक प्रिंट करेंगे एक्स को, तो इसमें एक दरअसल काम इसका ये होता है कि 0 से 1 के बीच में कोई भी फ्लोट वैल्यू, फ्लोट और साथ दशमलव वैल्यू ये दे देगा, तो ये दरअसल इसका काम होता है। तो प्रिंट करो, चलाओ रैंडम रन ट्यूटोरियल यू कहोगे, हाँ तो रन, तो इसने देखो जो है 0 से 2 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर दे देता है, तो देख लो 0.52 इसने दे दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में दरअसल क्या होता है, ये कोई भी फ्लोट वैल्यू किन्हीं 2 पैरामीटर के अंतर्गत दे देता है, इसको भी देख लेते हैं यूनिफॉर्म, लेकिन ये जो वैल्यू होगा ये यूनिफॉर्म जो है फ्लोट ही देगा, यानी कि दशमलव ही देगा, बस आपको पैरामीटर 2 देने पड़ेंगे। फर्क इसमें और इससे पहले वाले में ये है कि उसमें 0 से 2 के बीच में आता था, इसमें आप जो पैरामीटर दोगे उसके बीच में एक फ्लोट वैल्यू दे देगा, ये जो है यूनिफॉर्म रैंडम मॉड्यूल के अंतर्गत यूनिफॉर्म फंक्शन। नेक्स्ट अब हम इसको रन करवा देते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू यहाँ पे निकाल देता है। तो इसको रन करते हैं, तो तो इसको रन करते हैं, ट्यूटोरियल रन। तो इसने जो वैल्यू हमारी दी है
3.6 हमने लिया था और इसने जो है 3.27 वैल्यू जो है इसने दे दी है। तो इस तरह से क्या कौन सी वैल्यू देता है, मतलब डेसिमल नंबर देता है यानी कि फ्लोट वैल्यू दे देता है। अब हम एक और फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है ना, रैंडम डॉट चॉइस उसका नाम है। तो एक लिस्ट बना लेते हैं और देखते हैं चॉइस का क्या काम करता है। तो एल नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं, 10, 20, 30 और 40। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंतर्गत प्रिंट 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 रैंडम डॉट चॉइस और लिस्ट वेरिएबल का नाम रैंडम डॉट चॉइस और एल नाम का जो कि वेरिएबल है हमारी लिस्ट का, और इसको हटाते हैं। तो रैंडम डॉट चॉइस देखिए ये क्या करता है, रैंडम डॉट चॉइस, हाँ ठीक है, रन करते हैं देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो इसने जो है वो 40 हमें जो है आंसर दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये काम क्या करता है, चॉइस दरअसल मतलब ये है कि आप इसको सीक्वेंस में एक ऑर्डर दोगे, ट्यूपल लिस्ट सेट पाइथ, मतलब जिसके भी डाटाबेस के अंतर्गत आप कोई भी दोगे तो ये एक रैंडम नंबर आपको बाहर निकाल करके दे देगा, यही इसका काम होता है चॉइस यानी कि रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन का। अब हम देखेंगे लगभग लास्ट का है, तो क्या है डेट टाइम मॉड्यूल्स इन पाइथन, डेट टाइम का भी अपना एक काम होता है। तो ये दरअसल टाइम तारीख ये सब दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ये भी एक मॉड्यूल है पाइथन का। तो इम्पोर्ट डेट टाइम, डेट टाइम, ठीक है, इम्पोर्ट डेट टाइम, एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल बना लो और इसमें डेट टाइम डॉट टाइम डेट, देखो क्या मैं लिख रहा हूँ, डेट टाइम डॉट डेट टाइम, ये जो है तारीख नैनो पिको माइक्रो सब प्रिंट कर देगा, देखो डेट टाइम डॉट डेट टाइम, और जितने भी जरूरी लिंक हैं वो आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डेट टाइम डॉट डेट टाइम और डॉट टूडे, डॉट टूडे, और यहाँ पे आपको दो छोटे ब्रैकेट लगा देने हैं, लग गए दो छोटे ब्रैकेट, प्रिंट करना है वेरिएबल को, प्रिंट करना है तो एक्स नाम से हम वेरिएबल को, अभी हमने वेरिएबल बना दिया, ठीक है। तो हमने क्या इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया हमने डेट टाइम मॉड्यूल को, उसके बाद हमने एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंतर्गत हमने डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट टूडे और ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। इससे क्या होगा देख लेते हैं, रन रन और फाइल जो हमारी है उसको हम प्रिंट करा देते हैं। तो इसने जो देखो दुनिया की बकैती इसने प्रिंट कर दी है। तो आज तारीख है 8th of February, 20:56, 54 सेकेंड, 94 मिली सेकेंड, 29 नैनो, मतलब ये दुनिया को मिला करके इसने सब प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो पूरा A to Z यहाँ पे आंकड़ा दर देता है वैसे ही छाप के। तो ये इस तरह से डेट टाइम काम करता है। अच्छा डेट टाइम के कुछ और फंक्शन देख लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, जो और बाकी सारे यदि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी हो और ज़्यादा जानने हो फंक्शन, क्योंकि सारे तो बताए नहीं जा सकते बहुत हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आपको मेन मेन बता दूंगा जिससे आपका काम चल जाएगा, जो अक्सर तर उपयोग आते रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब नया देखते हैं, अब हम एक्स डॉट ईयर देखेंगे। प्रिंट एक्स डॉट ईयर, इससे देखते हैं क्या होता है एक्स डॉट ईयर से, सिंपल सी बात है डेट ईयर ही का हुआ है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, तो एक्स नाम से यहां पे वेरिएबल सबसे पहले बना लेते हैं, डेट टाइम डॉट डेट टाइम डनाउ, डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ और ब्रैकेट हमने बंद किए और एक्स डॉट ईयर। तो हमने इसको, अब हम देखिए ये जो है हमारा वेरिएबल है, और ये देखिए अब इसको रन करते हैं,
तो इसने जो हमारी है ईयर जो है सन जो है वो प्रिंट कर दिया है, 2022 चल रहा है तो 2022 इसने प्रिंट कर दिया। अच्छा देखिए अब वही जो रामायण है ऊपर उसी लिख के रख दो, बस नीचे चेंज करे रहो। तो एक्स डॉट अभी ईयर था, अब एक्स डॉट डे करके देख लियो, तो एक्स डॉट डे करिए तो रन रन ट्यूटोरियल। तो इसने देखिए आज जो तारीख है तारीख पे तारीख प्रिंट कर दी, ठीक है तो 8 तारीख है। अच्छा और एसटीआर टाइम ये भी देख लियो, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप ज़्यादा देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा। एसटीआर टाइम परसेंटेज ए बड़ा ए बनाया है, तो ये जो है अगर ये फंक्शन चलाओगे तो देखो क्या होता है, रन रन ट्यूटोरियल। अच्छा एस टी आर एफ होगा, ठीक है एस टी आर एफ होगा, एस टी आर नहीं होगा, रन ट्यूटोरियल। तो इसने देखो क्या प्रिंट कर दिया है आज का दिन, तो आज मंगलवार है ट्यूजडे इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है और देख लो और परसेंट सी करके देख लो, देखो कहा था परसेंट सी बड़ी सी बनेगी, ठीक है इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन ट्यूटोरियल और ये जो है इसने 20 प्रिंट कर दिया है 20। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि 20 इतने प्रिंट कर दिया 20 प्रिंट कर दिया, इसका मतलब दरअसल ये हुआ कि सेंचुरी ये कौन सी चल रही है, यानी कि 20वीं शताब्दी चल रही है तो ये प्रिंट कर दिया, इसका मतलब ये होता है। तो आई होप आप सब ये कुछ नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आप इसको ट्राई करना, और जो मैंने मैथ मॉड्यूल रैंडम मॉड्यूल डेड टाइम मॉड्यूल तीन मैंने आपको बताया जिसमें से इम्पोर्टेंट मैंने आपको दिखाया कर करके, बाकी यदि आपको बहुत ज़्यादा कौवा बनना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको अधिक ज़्यादा जानने के लिए उसको देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे अब एक पिकल इन पाइथन, ये अचार वाला पिकल नहीं है, ये पिकल है, पिकल इन पाइथन। द पिकल मॉड्यूल इंप्लीमेंट अ फंडामेंटल बट पावरफुल एल्गोरिथम फॉर सीरियलाइजिंग एंड डिसरिंगलाइज ए पाइथन। मतलब क्या हुआ इसमें देखिए क्या होता है कि आप कोई भी डेटा को इधर से उधर पटक सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी तरह का डेटा हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्यूपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, बुलियन, नॉर्मल एंड यूनिकोड स्ट्रिंग्स आदि इत्यादि, ठीक है। तो ये जो है इस तरह के डेटा आप उधर से उधर फाइल में ट्रांसफर कर सकते हो, वो थोड़ा इंक्रिप्टेड होते हैं, किस तरह से काम करते हैं वो भी जरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखिए तीन फाइल बनाई हैं, हमने क्या किया है यहाँ पे हमने तीन फाइल बनाएंगे, तो समझो क्या हम करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है तीन फाइल बनाएंगे, तो अभी देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ और ये मैं आपको समझा रहा हूँ। पिकल पिकल का दरअसल काम क्या होता है, पिकल का काम होता है दो तरह के पिकल आप समझ सकते हो, एक का काम होता है डंप करना, एक का काम होता है पंप करना, नहीं एक का काम होता है डंप करना और एक का काम होता है लोड करना। तो इनका काम क्या होता है, देखिए लोड का काम ये होता है कि आप आई से समझो, मान लो कि आपके पास, मैंने यहाँ पे ध्यान से समझना, कान नाक मुंह सब खोल के बैठ जाओ, मैंने यहाँ पे तीन फाइल बनाई, पिकल वन, पिकल टू, पिकल थ्री, जिसमें जिसमें से पिकल वन में कुछ लिखा हुआ है, पिकल टू खाली है, पिकल थ्री खाली है। हम पिकल वन को पिकल थ्री में लोड करना चाहते हैं, तो कैसे लोड करेंगे, इंपोर्ट लिखा, फिर मैंने पिकल मॉड्यूल, चूंकि पिकल मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो पिकल मॉड्यूल है, जैसे हम अभी तक रैंडम मैथ ये दुनिया का लिखते थे, तो आपने लिखा क्या पिकल इंपोर्ट पिकल। उसके बाद हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई 10 20 30 40 लिस्ट बनाई, उसके बाद मैंने फाइल लिखा। अब फाइल में आपको कौन सी फाइल है, मतलब ये जो पिकल वन में जो डाटा है, पिकल वन में जो लिस्ट है ये आपको कहाँ पे ले जानी है, पिकल थ्री में ले जानी है, यानी कि इस लिस्ट को हमें भेजना है पिकल थ्री में, यानी कि लोड करना है। तो हमने एक फाइल का वेरिएबल बनाया, ओपन किया, ओपन करने के बाद उस फाइल का हमने नाम लिखा, तो वो जो फाइल जिसमें हम भेज रहे हैं यानी कि लोड कर रहे हैं उसका नाम क्या है, पिकल थ्री नाम है।
pickle3.py, लेकिन py नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक्सटेंशन तरीके से होती है, तो py नहीं लिख, मतलब py हाँ लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, ठीक है ना। pickle3.py पूरा नाम है इसका फाइल का, और तो pickle3.py हमने लिखा। देखिए देखिए देखिए, जो कोई भी पाइथन की फाइल होती है उसमें py लगा होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था उसमें जो क्या था, वो जो जब मैंने मॉड्यूल शुरू किया था तो उसमें दो, जो मैंने तीन तरकीबें इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताई थी उसमें मैंने पीवाई नहीं यूज किया था, लेकिन यहाँ पे पिकल मॉड्यूल में ये यूज होगा जब आपको इसमें फाइल को किसी दूसरी फाइल में लोड कराना है, तो यहाँ पे आपको पीवाई भी नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो pickle3.py मैंने यहाँ पे नाम दिया, नाम देने के बाद यहाँ पे मैंने डब्ल्यू बी लगाया, चूंकि हम यहाँ पे लोड कर रहे हैं तो हमने डब्ल्यू बी लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे लोड मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू बी लगाया जाता है जब इसको किसी फाइल में हम लोड करवाने जा रहे होते हैं। पिकल डॉट डंप लिखिया, डंप का मतलब ये होता है, डंप का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे किसी में, दरअसल जैसे ये पिकल वन से पिकल थ्री में जा रही है तो आपको डंप का यूज करना पड़ेगा, यानी कि जब आप उसमें लोड करने जा रहे हो, ठीक है। लेकिन लोड एक अलग से भी मैं आपको बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे अभी लोड शब्द का उपयोग नहीं करता हूँ। ऐसे समझ लीजिए कि डंप का उपयोग ये होगा कि आप पिकल वन से पिकल थ्री में ये जो लिस्ट है उसको भेज रहे हो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे L, ये जो वेरिएबल से मैंने लिस्ट बनाई थी L दिया, और फाइल, दो वेरिएबल जो यहाँ पे बन गए थे L और फाइल से, उनको मैंने कामा के ब्रैकेट के अंदर लिखा और फाइल को हमने क्लोज कर दिया इस तरह से। तो आप सारा कुछ देख सकते हो, आपके सामने सामने है, ठीक है। और इसको जूम करके भी यहाँ पे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो और करके देखिए और समझिए। अब हमने क्या किया, अब हम देखिए पिकल टू पिकल थ्री अभी खाली है, अब देखिए हम पिकल वन से ये जो लिस्ट है इसको हम पिकल थ्री में भेजेंगे, ठीक है। तो कैसे भेजेंगे, रन करेंगे, ये सारा कोडिंग लिखने के बाद हम पिकल वन को रन करेंगे, और हमने पिकल वन को रन कर भी दिया। अब ये पिकल थ्री में डाटा चला गया होगा, तो आप कहोगे कि पिकल थ्री में ये क्या कुछ पहुंचे ही नहीं, मतलब क्या ये बकवास लिख करके आ गई है, तो ये तो हमारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मतलब ये सब क्या है, ये पिकल थ्री में ये सब क्या है, मतलब ये सेव हो गया। तो इसको यदि आपको देखना है तो आपको कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ। पिकल थ्री में देखिए, पिकल वन की जो लिस्ट थी वो पिकल थ्री में स्टोर हो चुकी है इनक्रिप्टेड। अब आपको यदि पिकल थ्री को देखना है, पिकल थ्री की फाइल को, तो आपको जाना पड़ेगा एक अलग फाइल, पिकल टू नाम से मैंने बनाई, उसमें मैं क्या करूँगा, तो उसमें मैंने ये पेस्ट किया। तो यहाँ पे देखिए मैंने दरअसल पेस्ट जो किया है ये मैंने पहले से लिख कर रखा है ताकि ज़रा समय ना बर्बाद हो। और यहाँ पे देखिए इंपोर्ट मैंने पिकल मॉड्यूल किया, फिर देखिए मैंने क्या किया, फाइल का नाम दिया, ओपन किया, ओपन करने के फाइल मैंने वेरिएबल बनाया, फिर ओपन किया जैसे उसमें किया था, फिर जहाँ से हम ला रहे हैं यानी कि जिस इनक्रिप्टेड फाइल को हम खोलना चाह रहे हैं, जिसकी कुंडली हम खोलना चाह रहे हैं, उसका नाम लिखा pickle3.py, जहाँ से हम ला रहे हैं, पिकल थ्री हमारी इनक्रिप्टेड फाइल थी pickle3.py। और इस बार जो है हम डब्ल्यू बी का उपयोग नहीं करेंगे, इस बार हम उसको अनलॉक कर रहे हैं, यानी कि खोल रहे हैं उस फाइल को, ताला लगा हुआ जो है इनक्रिप्टेड है उसको हम खोल रहे हैं, उसको हम लिए आर बी का उपयोग करेंगे, आर बी। फिर हम क्या करेंगे, एल बराबर पिकल डॉट लोड, यहाँ पे देखिए जो है लोड का प्रयोग किया गया है जबकि वहां पे डंप का प्रयोग किया गया था। फिर हमने फाइल इस तरह से हमने जो है प्रिंट कर दिया एल को, क्योंकि हम लिस्ट को ला रहे हैं ना, तो प्रिंट हमने अपने एल जो वेरिएबल है उसमें हमने प्रिंट भी कर दिया। अब इसको रन करा के देख लेते हैं, आप समझिएगा करिएगा। रन हमने किया और पिकल टू को प्रिंट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो देखिए हमारा जो है प्रिंट भी हो गया, और जो हमारी इनक्रिप्टेड वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। आप देख सकते हो नीचे जो है हमारे 10, 20, 30, 40 इसने निकाल के दे दिया। तो अब जाकर के जो हमारा लेक्चर है पूरा एक घंटे का खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। रही बात ये पाइचाम की सेटिंग की, यह आपका एनाकोंडा में हो सकता है ना वर्क करे, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो समस्या है उसको कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में बिना कहे ट्राई करूंगा आपको पाइचाम का दिया जाए कि इसमें जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, जो उसमें यदि आप करने जाओगे, यदि आप पाइचाम में नहीं करोगे एनाकोंडा में उसमें करने जाओगे तो आपको दिखाएगा मॉड्यूल नॉट फाउंड, इस तरह से आपको एरर बहुत लोगों को दिखाता है। तो उसका समाधान पाइचाम ही है, लेकिन कुछ उसकी स्पेशल सेटिंग है, तो उसको मैं अगले वीडियो में पूरी तरह से छोटा सा वीडियो बना करके क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको सारा कुछ आपने सीखा होगा, आज हमने सीखा पिकल इन पाइथन, पिकल मॉड्यूल के बारे में पाइथन में सीखा, मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, डेड टाइम मॉड्यूल, मॉड्यूल्स और मैट्रिक्स के बारे में पूरी तरह से सीख लिया। वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जितना ज्यादा वीडियो को अपने साथ शेयर करें।